यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब बहुत पुरानी पद्धतियां हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि इसके प्रति लोग उदासीन बहुत हैं। होम्योपैथी बहुत अच्छी, पूनिया साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी पद्धति है और गरीब लोगों का इलाज इससे हो जाता है, महंगी नहीं, और कुछ रोगों में ये रामबाण है। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं हो पाता, होम्योपैथी से हो जाता। 70 के दशक में मेरे इतना सीवियर माइग्रेन पेन होता था कि सारे देश के बड़े बड़े न्यूरो सर्जन्स और न्यूरोलॉजिस्ट सब फेल हो गए। तब लखनऊ में एक डॉक्टर घोष हुआ करते थे, बहुत बुजुर्ग थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने दवा दी, 15 दिन में ठीक हो गया। 50 साल होने जा रहे हैं, आज तक मेरे दोबारा दर्द नहीं, नोबडी कुड क्योर, लेकिन ही क्योर्ड इट। लेकिन अगर कोई बात एलोपैथिक लोगों के मानसिकता वाले लोगों से करें तो कहेंगे करे साहब ये तो बेकार है। सर वी इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो टू नो दैट आउट ऑफ 200 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हु अडॉप्ट होम्योपैथी 100 मिलियन आर इन इंडिया, सो दैट्स अ वेरी बिग नंबर एंड देयरफॉर इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी द हब ऑफ होम्योपैथी। सर इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स, ऑलमोस्ट 2 लाख एंड ऑलमोस्ट 12,000 join every year because we have the largest number of colleges. So undoubtedly there is a growing demand for homeopathy because of its easiness of use and also its low prices. Allopathy, it has to also have other streams. We see a cancer patient who takes allopathic medicine but also resorts to Ayurveda or homeopathy. So my appeal is, sir, that all PHCs should have doctors of all streams, number one. Number two, sir, they should have regular interaction between each other. So any patient who goes, a plan of treatment should be made so that the patient benefits from all streams of medicine. Homeopathy, Ayurvedic, Naturopathy, ये एक ऐसे विषय हैं जिनको लोग भोगते हैं, जिनको जिनका ट्रीटमेंट लेते हैं और प्रसन्नता से उसका पूरा वर्णन भी नहीं कर पाते। उसका कारण है कि जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तो हम उतना वर्णन नहीं कर पाते, परंतु सच ये है कि जो एलोपैथी है, हम जब उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो तत्काल हमें रिलीफ मिलता है, परंतु उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हम महीनों और सालों झेलते हैं। मैं होम्योपैथी की 2-3 बातें आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपने 2 वकील साथियों का उनके बच्चों के साथ होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देखा। मैं तब से होम्योपैथ का बड़ा फैन हो गया कि एक का बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही उसके अंग जुड़ गए, अंग जुड़ते ही डॉक्टर ने कहा थोड़े दिन का हो जाने दीजिए बच्चे को, 12-13 दिन में हम इसका फिर ऑपरेशन करेंगे। तो एक होम्योपैथ के डॉक्टर और वकालत भी करते थे, उन्होंने कहा कहीं ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप होम्योपैथ की दवा हम देते हैं इसकी एक एक बूंद डालते जाइए। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सदन में यह अवगत कराना चाहता हूं, आज भी वो डिस्पेंसरी है, आज भी वो डॉक्टर हैं, उन्होंने जैसे ही दवाई देनी प्रारंभ करी तो 12-13 दिन में स्वयं ही वो अलग अलग हो गए अंग और खुल गए। ये होम्योपैथी की तारीफ है। और एक हमारे वकील साथी की लड़की जो पैदा होते ही आंखों में खींच भर जाती थी, बिल्कुल कीज भरती थी, सभी एलोपैथ के डॉक्टर्स को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, उन्होंने कहा कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे जैसे ठीक होते जाएगी ऊपर को हार्मोन डेवलप होंगे ठीक हो जाएगी। तो उसी डॉक्टर ने कहा कि ये सब कहते रहते हैं, मैं आपको 2-3 बूंद देता हूं, 3 दिन आप दवा करिए फिर फर्क बताइए। पहले दिन दवा खिलाई, आंख में डाली बच्ची की, आधा साफ, दूसरे दिन उससे ज्यादा साफ, और तीसरे दिन बिल्कुल बच्ची की आंख साफ, और वो बच्ची आज यहां दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। ये होम्योपैथ का कितना बड़ा चमत्कार है। मैं खुद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैंने BHMS MD किया है राजस्थान के जयपुर से, और एक होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी है वहां से मैंने MD किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से होम्योपैथिक में। और होम्योपैथिक छोड़कर जब मैं 2014 में सांसद बना, पहली बार इस लोकसभा में आया, तो मुझे भी सपना था कि मोदी जी क्या करेंगे, जिस तरीके से आयुष के माध्यम से
पूरे देश के उन गरीबों को, आम जनता को और अन्य सभी अल्टरनेटिव सिस्टम्स को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान की उन्नति के लिए सभी की हमको आवश्यकता है। उन्होंने एलोपैथी के लिए भी बराबर ध्यान दिया। मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ का मेंबर भी था माननीय चौधरी साहब। मैं आपकी जानकारी में दूंगा कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी पीड़ा होती थी कि जिन कॉलेज में हम पढ़ते हैं कि यहां जब हमारे सब्जेक्ट सारे होते थे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, गायनी, ऑफ सर्जरी, ईएनटी, ऑफ सारे सब्जेक्ट जो एमबीबीएस में होते हैं वो सारे होते थे। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते थे हमारे, गायनी, हम गायन, इनके गायन के अलावा हमारे पास रिपर्टरी होता था, मैथमेटिका होता था, ऑर्गन होता था। तब हमको ये लगता था कि काश ऐसे कॉलेज हो जब हम एमबीबीएस से कम कहीं नहीं होते, उनसे ज्यादा मेहनत करते। टाइम वही 5.5 साल बीएचएमएस करने में लगता था, एमडी करने में 3 साल लगता था। और होम्योपैथिक मैं सोचता हूँ कि सबसे सस्ती, सरल, सुलभ और प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। मैं तो होम्योपैथी के ऊपर विश्वास रखने वाला हूँ, मैं हमेशा दवा वो लेता हूँ। मेरा एक पहला ही सवाल ऐसा है कि क्या मैं जिनके पास से दवा लेता हूँ, डॉक्टर अजीत भूतरनी करके, वो खुद एलोपैथी के पैथोलॉजी के डॉक्टर हैं, लेकिन वो उनकी प्रैक्टिस सालों से होम्योपैथी की चलती है। होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं वो भी अपना कोर्स 5.5 साल में पूरा करते हैं, और एक एलोपैथी डॉक्टर भी अपना कोर्स जो है 5 साल में पूरा करता है। लेकिन जो प्रतिष्ठा एलोपैथी के डॉक्टर को मिलती है वो भ्रष्टाचार के कारण होम्योपैथी के डॉक्टर को नहीं मिलती। बींग ए डॉक्टर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, टू टॉक अबाउट द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, माई पोजिशन इज क्रूशियल। To a patient, to a sufferer, the relief is the main thing, not the terminology of the medicine. Relief is the main thing, not the terminology of the medicine. So it was really striking my mind and analysis. From that day, I started mixing with the Ayurveda doctors and homeopath doctors. And believe me, being a medical doctor, with practicing modern medicines, no modern medicine doctors cured my sinus problem. I had to take the help of the homeopath to cure my sinus problem. This is on record. I can challenge it. This is on record. I studied under the laureates of ENT specialists. They could not cure me. One, a very small, young homeopath doctor from D&D Medical College, homeopathy, in Howrah district, cured me. This is reality. When in allopathic modern medicine, the surgical intervention is necessary, are we in a hesitant mind that we will not go? We have to go. Heart block, bypass surgery, it's a mandatory provision. Intestinal obstruction, it is a mandatory provision. Will any Ayurveda doctor or homeopathic doctor will obstruct that? No, don't go, you die. No. So cohesive combination. The philosophy should be like that. A cohesive combination of all branches of medicines should be adopted with an apex body and remedy to the patient should be the prima facie. Yes, sir. An integrated therapy should be accepted, and India should be pioneer to that. If the structural organization of the Indian system of medicine, if it is achieved, then the entire propagation and use of Indian system of medicine by the citizens of this country and the people of this country would take place. In allopathy or in the clinical trials, what they follow largely all over the world is something called as randomized controlled trials, which has been now taken to different subjects. Now, in the Indian system of medicine or in homeopathy, no such approach, no such methodology is prescribed, nowhere it has been captured, and the people are unaware of it. The second point why it has not taken off to my mind is promotion. The promotion of Indian system of medicine and homeopathy has not had backing of the government at all. Even if there was a bill, the allocations have not been much. It is only in the recent times and only in a few states that this has taken off, whereas the
the kind of promotion that has been available to the allopathic branch of medicine, the modern, so-called modern system of medicine, has not taken place. The joint responsibility of the governing bodies and institutions to remove the misconceptions of people, the information and education communication which could be provided free to people, the various research bodies could be actually tagged together, and jointly they could think about developing new research methodologies in these branches. Health camps, which are, you will find all the time, the modern, so-called modern system of medicine organizing, that doesn't take place. It's only rarely developed. And I'm not saying there is no potential. There is a lot of potential, but only research and scientific research based on, I'm not saying the modern system of the processes that is being adopted in allopathy, but you develop your own research methodology, your own research design and model, and then give it to the world. Now, unless that is done, and epidemiological kind of findings are there, we cannot have the first line of defense against diseases and epidemics. And if that happens, then this kind of Indian system of medicine can actually take off. देखिए, मैं सभापति महोदय कहना चाहूंगा, मैं टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हूं, तो मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में यह संबंध है कि आप टेक्नोलॉजी का पैराडाइम बदल दीजिए, पावर का पैराडाइम बदल जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही एटम बम अमेरिका के पास आया, पावर पैराडाइम ब्रिटेन से, यूरोप से शिफ्ट होकर अमेरिका चला गया। आज यदि हम फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन के क्षेत्र में देखें तो पश्चिमी देशों ने इतनी प्रगति कर रखी है, यदि हम उनके फॉलोअर बनना चाहेंगे उसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में, तो जैसे अमेरिका के FDA ने, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो हमें दशक लग जाएंगे उनके आसपास पहुंचने। परंतु यदि हम पैराडाइम शिफ्ट कर दें, वो पैराडाइम शिफ्ट ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन जिसमें होम्योपैथी और आयुर्वेद आते हैं, जिनके पास वह आधार है, जिनका मूल आधार ही अलग है उन चिकित्सा पद्धतियों से, और यदि हमने इसमें अपने को सही ढंग से स्थापित कर लिया, तो हमें 80-90% चीजों में उन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो वो हमें बड़े ऊंचे मूल्यों पर देते। But I'm a believer in making the Indian system of medicine a much stronger system, anchored in science, research, and most importantly, in written clinical documentation. I'm well aware of the glorious traditions that Indian medicine has had, and I think the challenge before us is to make the Indian system of medicine an important element of our healthcare system, based, as I said, madam, on research. In 2015, a Chinese woman scientist got the Nobel Prize for her work on discovering a cure for malaria from Chinese systems of medicine. And I see no reason why in the next 10 years, an Indian scientist cannot get the Nobel Prize in physiology and medicine for discovering a cure for any of our ailments through the Indian systems of medicine. So I would request the government to please create a system which will bring all these different institutions together. Maybe now that you have different commissions, you need an apex super commission to bring all these commissions together so that education in medicine is imparted in an integrated manner. I have been a senior health professional of armed forces, and on behalf of the modern medicine or allopathic medicine, I don't disown my fathers and forefathers. I claim it with pride that allopathy is the daughter of Ayurveda. There are 8 lakh, approximately 8 lakh Indian medicine doctors, including homeopaths, Ayurveds, Yunani, Siddha, Rigpa, and all. My vision is, we are not competitors. We don't look down upon. In Maharashtra, when I was commanding Armed Forces Medical College, rather I stayed for 14 years in that complex. And Ayurvedic doctors are practicing surgery, ophthalmic surgery, and some of them are doing excellently well, because the trainability is to everybody. And knowledge is not some individual's domain. It can be learnt anytime by anybody.